हेलो गाइस, दिस इज़ पंकज राणा एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल मैनिया। आज मैं आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके, जिसमें आपको बताऊँगा मैं कि किसी भी रूम के लिए एसी की टनेज कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कभी भी कोई एसी परचेज करने जा रहा हो तो उसे पता होना चाहिए कि एक्चुअली मेरे रूम के लिए कितने टन का एसी लगना चाहिए। तो जो हमारी टनेज होती है एसी की, डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स में कि हमारे रूम पर मतलब लोग कितने रह रहे हैं, कहीं कोई डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं आ रही है, या हमारे रूम का वॉल्यूम कितना है। कई कई लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जो हमारा 1 टन का एसी है तो मतलब वो 1000 kg का है, या 2 टन का है तो 2000 kg का है। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। जो हमारा 1 टन का एसी है उसे रिलेट किया गया है 1 टन आइस के पीस के साथ। मीन्स 1 टन आइस का पीस जब मेल्ट होता है तो जितनी हीट वो एब्जॉर्व करता है, सेम उतनी ही क्वान्टिटी की हीट जो है हमारा 1 टन का एसी एब्जॉर्व करता है। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारा 1 टन का एसी होता है वो होता है 12,000 BTU/hr। मीन्स हमारा जो 1 टन का एसी है वो 1 घंटे में 12,000 BTU की हीट जो है अपने अंदर एब्जॉर्व करता है। BTU की फुल फॉर्म है यहाँ पे ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ पूरी वीडियो में कि कैसे हम किसी भी रूम के लिए एसी की टनेज निकालते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन राइट बिलो टू गेट अपडेटेड विद माय लेटेस्ट वीडियोज़। तो चलिए स्टार्ट करें। हाउ टू कैलकुलेट द टनेज ऑफ एसी रिक्वायर्ड फॉर अ रूम। सपोज़ करिए मेरा कोई रूम है जिसका जिसकी लेंथ है 10 फिट, ब्रेड्थ है 10 फिट और हाइट है 10 फिट। मेरी यहाँ एक डोर की ओपनिंग दे रखी है। यहाँ पे मेरी 2 विंडोज़ है जहाँ से डायरेक्ट सन लाइट जो है रूम के अंदर आ रही है। तो हमें निकालना क्या है कि मतलब इस रूम में कितने टन का ए सी लगेगा। तो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है, जो 1 टन ए सी होता है वो होता है 12,000 BTU/hr। मतलब 1 घंटे में 12,000 BTU की हीट एब्जॉर्व करता है। BTU होता क्या है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और 1.5 टन का एसी 18,000 BTU की हीट एब्जॉर्व करता है 1 घंटे में। उसी तरह सेम 2 टन का एसी जो है 24,000 BTU की हीट एब्जॉर्व करता है। हम लेते क्या हैं, जो सपोज़ करते हैं जैसे हमारा जो 1 टन का जो आइस होता है वो इक्विवेलेंट होता है 1 टन के एसी के बराबर। मीन्स 1 टन का जो आइस का पीस है मेल्ट होने के बाद जितनी हीट एब्जॉर्व करता है, सेम अमाउंट की हीट उतनी एब्जॉर्व 1 टन का एसी करता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक्सप्लेन करके कि ये जो 1 टन में 12,000 BTU/hr आया कैसे है। वैसे आपको इम्पोर्टेंट रिजल्ट याद रखना है बस, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ इसका डेरिवेशन हुआ कैसे। लेटेंट हीट ऑफ आइस जो होता है 144 BTU/lb। मीन्स 1 पाउंड का जब आइस का पीस मेल्ट होता है तो 144 BTU की हीट एब्जॉर्व करता है अपने अंदर। तो जब 1 पाउंड का पीस 144 BTU की हीट एब्जॉर्व कर रहा है तो 1 टन में क्या होता है, 1000 kg होता है। 1000 kg मीन्स 2000 पाउंड। तो 2000 पाउंड का पीस कितनी हीट एब्जॉर्व करेगा, तो 144 से इंटू कर दिया इजीली, तो हमारा आंसर आया 288,000 BTU की हीट एब्जॉर्व करता है 1 दिन में। और हमें निकालना क्या है, पर आवर में। तो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 24 से डिवाइड कर दिया तो जो हमारा आंसर आया है 12,000 BTU/hr। मीन्स जो 1 टन एसी होता है 1 घंटे में 12,000 BTU की हीट एब्जॉर्व करता है। अब हमें करना क्या है, सिंपली हमें वैल्यू निकालनी है कि कितना टन एसी लगेगा। तो सीधा फॉर्मूला है इसका सिंपल, जो आपका रूम का वॉल्यूम है उसका क्यूब रूट लेना है और उसको 10 से डिवाइड करना है। मैंने क्या किया था, अपने रूम की लेंथ ली थी 10 फिट, ब्रेड्थ 10 फिट, हाइट 10 फिट। तो आया 1000 का क्यूब रूट होता है 10, इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 टन। हमें याद रखना है कि जो हम जितनी भी मेजरमेंट लेंगे, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये सारी की सारी फिट में लेनी है। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है एसी की हमारे रूम के लिए वो है 1 टन की। उस फॉर्मूले की जो मैंने बताया आपको अभी फॉर्मूला, उसकी कुछ लिमिटेशंस है। अगर रूम में सिर्फ 2 पर्सन है तो फॉर्मूला अप्लाई है, और अगर रूम पे कोई विंडो नहीं है तो फॉर्मूला इजीली मतलब एक्यूरेट है बिल्कुल। बट अगर रूम के अंदर कोई विंडो है जो डायरेक्ट इसमें सनलाइट आ रही है तो होता क्या है, हमारे रूम का टेम्परेचर में फ़र्क पड़ता है, रूम का टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होता है, हमें ज़्यादा टनेज लगती है एसी की। तो कितनी ज़्यादा लगती है, अगर हमारे रूम पे सनलाइट आ रही है तो हम क्या करते हैं 10% एक्स्ट्रा BTU लेके चलते हैं उस केस में। सपोज़ करो मेरा पीछे आया अभी आंसर आया 1 टन का एसी लग रहा है, तो 1 टन का एसी जो है 12,000 BTU की हीट एब्जॉर्व करता है 1 घंटे में। तो मैं 10% एक्स्ट्रा लेके चलूँगा तो कितना आएगा, 1200 BTU। मीन्स मुझे सनलाइट के केस में 1200 BTU एक्स्ट्रा लेके चलना है इफ़ 4 पर्सन एक्स्ट्रा इन द रूम। अगर मेरे रूम पे 2 पर्सन हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फॉर्मूला अप्लाई है। बट अगर 2 से ज़्यादा पर्सन है, मतलब सपोज़ करो मेरे रूम पे 4 लोग और एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो इस केस में क्या होता है, हर पर्सन जो होगा उसकी बॉडी से 1600 BTU मतलब सॉरी उसकी बॉडी से 600 BTU की हीट निकलती है। मीन्स
हर पर्सन के लिए मेरे को 600 BTU एक्स्ट्रा लेके चलना है, बॉडी थर्मल यूनिट। तो सपोज़ करो मेरे रूम पे चार लोग एक्स्ट्रा आ गए, तो 4 पर्सन के लिए कितना होगा, 6, 4 × 600, तो टोटल एक्स्ट्रा कितना लगा है, 2400 BTU मेरा इस केस में एक्स्ट्रा लग रहा है अगर चार लोग एक्स्ट्रा मेरे रूम पे आते हैं। तो जो मेरा टोटल टनेज आएगी, टोटल कैसे निकलेगा, जो मेरा 1 टन आया था पीछे रूम के लिए, 12,000 BTU तो ये हो गया, प्लस जो मेरे 4 पर्सन एक्स्ट्रा आए उनके लिए मैंने पर पर्सन का 600 BTU एक्स्ट्रा लिया, तो 4 का 2400 BTU ये, प्लस जो सनलाइट आ रही थी उसके लिए मैंने 10% एक्स्ट्रा लेके चला हूँ, तो 1200 BTU ये, तो टोटल BTU मेरा कितना है, 15,600 बॉडी ब्रिटिश थर्मल यूनिट। मीन्स वी रिक्वायर्ड 1.5 टन AC इन डैट केस, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि अगर वन टन का AC है तो वो जो है 12,000 BTU की हीट जो है एब्जॉर्व करता है एक घंटे में। तो मेरी जो टोटल BTU आ रहा है 15,600, मीन्स 12,000 से ज़्यादा है 15,600, तो मेरा इस केस में कितना लगेगा, 1.5 टन का जो AC होता है वो एब्जॉर्व करता है 18,000 BTU पर आवर। मीन्स इस केस में मेरा 1.5 टन का AC जो है ये सूटेबल होगा।